हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील कोठीवाला, डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राई स्किन ट्रीटमेंट के बारे में। ड्राई स्किन यानी सूखी त्वचा कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है, डिस्ट्रेसिंग हो सकती है, क्योंकि ये है इचिंग का, खुजली का कारण हो सकती है, और ज़्यादा खुजली करने से रैसेज हो सकते हैं। तो ड्राई स्किन, सूखी त्वचा खुद एक अकेली बीमारी हो सकती है जो किसी किसी पर्सन की इनहेरेंट कंडीशन को दर्शाती है, जिसमें उनको जन्मजात स्किन थोड़ी सी सूखी मिलती है और ये स्किन थोड़ी सी एलर्जिक और सेंसिटिव होती है। कभी कभार ये सूखी जो त्वचा है, ड्राई स्किन है, वो आने वाली किसी और दूसरी बीमारी का प्रारंभिक लक्षण हो सकती है, जिसमें बहुत सारे एक्जिमा होती हैं, सोरायसिस होता है, इक्थायोसिस वाली बीमारी होती है, और कभी कभार शरीर के अंदरूनी और दूसरे अंगों की बीमारियों की वजह से, जैसे डायबिटीज़ है या और कोई परेशानी है, मैलिग्नेंसी है, किडनी डिजीज़ हैं, लीवर डिजीज़ हैं, जिनकी वजह से अपना स्किन है वो ड्राई होना स्टार्ट हो सकता है। तो ये उनकी परेशानी को भी इंडिकेट कर सकती है। और नेचुरली एज के साथ अपना जो नेचुरल ऑयल है स्किन में वो कम होता जाता है, उसकी वजह से भी स्किन ड्राई हो सकती है। अब इसके लक्षण में इसमें पर्सन को फ्लैकिंग हो सकती है, खुजली चल सकती है, स्किन है वो इरिटेट कर सकती है, हल्का फुल्का कुछ भी, इवन पानी लगना या कुछ, और खाना खाते समय जो मिर्ची वाला हाथ है, सब्जी वाला हाथ है, अगर वो ड्राई स्किन पर टच हो जाता है, या फिर कुछ साइट्रस फूड होते हैं, नींबू वगैरह का टच होना, अगर इतना भी कुछ होता है उस ड्राई स्किन पर, तो फिर वेजिटेबल्स के टच होने से ये वो स्किन है वो बहुत जलन करती है, इरिटेट करती है। जो इसका ट्रीटमेंट है वो बहुत आसान है, कुछ सावधानियां हैं जिनके जरिए आप इस ड्राई स्किन को मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, और अगर हल्की फुल्की ड्राइनेस है तो उसको पूरी तरह रिकवर कर सकते हो। तो इसमें जो सावधानियां हैं वो मैं उनको कुछ टुकड़ों में बांट रहा हूं, जैसे कि नहाते समय की सावधानियां। इसमें आपको आपका जो शावर टाइम है वो शॉर्ट रखना होता है, आपका जो पानी है वो गुनगुना होना चाहिए, आप जो साबुन या शावर जेल यूज कर रहे हैं वो बहुत सॉफ्ट और मुलायम होना चाहिए। नहाने के बाद में जस्ट इमीडिएटली आपको बहुत रगड़ कर स्किन को ड्राई नहीं करना है, जस्ट पैड ड्राई करना है, और उसके नहाने के जस्ट विद इन 2 to 3 minutes आपको एक अच्छी मात्रा में होल बॉडी उस पानी की नमी पे ही अपना मॉइस्चराइजर लगाना होता है। अब ड्राई स्किन वालों के लिए मॉइस्चराइजर कौन सा होना चाहिए? आप जब बॉडी के लिए बात कर रहे हैं तो आप ऑक्लूसिव मॉइस्चराइजर काम में ले सकते हैं, जिसमें वैसलीन पेट्रोलेटम जेली बहुत कॉमनली अवेलेबल मॉइस्चराइजर है, और नहाने के बाद उसको लगाने से जो पानी की नमी है वो उसको ट्रैप करके वहीं रोके रखे रखता है, तो लंबे टाइम के लिए आपका स्किन है वो मॉइस्ट रहता है। आप इस मॉइस्चराइजर को टाइमली रिपीट भी कर सकते हैं। क्लोथिंग में आप कॉटन क्लोथ्स को प्रीफर करें, बाकी और दूसरे फैब्रिक आपकी ड्राई स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। और रात को सोने से पहले आप मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। अब फेस के लिए कुछ प्रिकॉशंस, बार बार चेहरा नहीं धोएं, बार बार चेहरा धोने से ड्राइनेस बढ़ सकती है, आप फोम बेस्ड फेस वॉश या साबुन वगैरह यूज ना करें, क्लींजिंग लोशंस यूज करें जो बिना इरिटेट किए आपकी स्किन को क्लीन कर दे और आपका स्किन इरिटेट भी ना हो। जो फ्रेग्रेंस बेस्ड एल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक्स यूज ना करें। फेस के लिए आप ऑक्लूसिव यानी पेट्रोलेटम जेली टाइप मॉइस्चराइजर यूज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी स्किन को थोड़ा चिपचिप कर सकता है, तो आप इसके लिए नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल होते हैं जो वाटर बेस्ड होते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। उनका फायदा ये होता है कि आप उनको दिन में कितनी बार भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है तो भी आप उनका इस्तेमाल अच्छा खासा फ्रीक्वेंसी पर कर सकते हैं, वो आपके एक्ने बनने की टेंडेंसी को वर्सन नहीं करते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हैंड्स का, जहाँ पे ड्राई स्किन की वजह से स्पेशली फीमेल्स में हाउस होल्ड एक्टिविटीज के दौरान, यानी डिटर्जेंट का काम करते समय, वेजिटेबल का काम करते समय, या कुछ पर्सन जिनका ऑक्यूपेशन केमिकल्स रिलेटेड है, उन लोगों को परेशानी हो सकती है। ड्राई स्किन की वजह से जो अपना स्किन का बैरियर है वो थोड़ा सा रप्चर होता हो जाता है, इंटैक्ट नहीं रहता है, जिसकी वजह से अगर नई नई चीज़ों के संपर्क में अपना स्किन आता है तो वो नई एलर्जीज को जन्म दे सकता है। आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आपका स्किन मॉइस्ट रहे, इसके लिए आप फ्रीक्वेंट हैंड वॉश को अवॉइड करें, और जब जरूरी हो तभी साबुन का काम में लें, और साबुन भी आप इसमें जो
हार साबुन है वो काम में ना लें, जो मुलायम साबुन है उनको, क्रीम बेस्ड साबुन है उनको काम में लें। और इसके जब भी आप हैंड वॉश कर रहे हैं उसके बाद में वैसलीन पेट्रोलिटम जेली या फिर आपका जो भी और कोई मॉइस्चराइजर है उसको यूज करें, ताकि आपका जो स्किन है वो ड्राई ना हो। ड्राई नहीं होगा तो वो कटेगा फटेगा नहीं, कटेगा फटेगा नहीं तो आपको किसी और चीज़ के संपर्क में आने से एलर्जी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इन सब के अलावा अगर आपको ड्राई स्किन के साथ किसी भी तरह की कोई रैश है या और कोई सिम्टम है तो आपको अपने स्किन डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। उसमें मॉइस्चराइजर के साथ में कुछ और दवाइयाँ होती हैं जो आपकी स्किन को फटाफट उस रैश से या उस प्रॉब्लम से निजात दिलाने में हेल्प करता है। डेली 10 टू 15 मिनट सनलाइट से एक्सपोजर ड्राई स्किन को विटामिन डी की जो कमी होने लगती है उससे रिकवरी देने में हेल्प करता है। तो दोस्तों ये कुछ थी आसान टिप्स जिनको आप घर पर यूज करके अपनी ड्राई स्किन को मैनेज कर सकते हो। ड्राई स्किन की वजह से अपना स्किन का जो कलर है वो भी डल हो सकता है, तो बेटर है कि आप टाइम से ड्राई स्किन की केयर करें ताकि परेशानी इतना आगे ना बढ़े कि आपको एक लंबा ट्रीटमेंट में जाना पड़े। आगे आने वाले वीडियोस में हम नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए जो स्किन केयर रूटीन है उनके बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप उनको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।